हे दोस्तों, आज की बहुत बड़ी खबर है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्कूल्स के फॉर्म निकल गए हैं। कान खोल के सुन लीजिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्कूल के फॉर्म 2021 से 22 के फॉर्म निकल चुके हैं। पहले लिंक क्रिएट हो गया था, मैंने आपको बताया भी था कि लिंक क्रिएट हो गया। आप देख सकते हैं स्कूल एंट्रेंस टेस्ट सेशन 2021 से 22 और स्कूल एडमिशन 2021 से 22। ये LKG नर्सरी और क्लास फर्स्ट के लिए है और ये क्लास 6, 9 और 11 के लिए है। तो दोनों लिंक मैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पर क्लिक करता हूं और एक एक करके इन्फॉर्मेशन डेट बताता हूं। इसके अलावा मैं सेपरेट एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा और पूरा एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं LKG नर्सरी और क्लास 1 का। LKG में जो पढ़ाई होता है उसका नाम है सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कमच्छा वाराणसी। जो बनारस का रहने वाला है, बनारस का, उसको कमच्छा पता होगा। नर्सरी में जो बच्चे हैं उनका स्कूल का नाम है सेंट्रल हिंदू स्कूल्स RGSC बरच्छा मिर्जापुर। श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय कमच्छा वाराणसी, ये है क्लास फर्स्ट में सेशन 2021 से 22। हेल्प डेस्क का नंबर भी है, लास्ट में बताऊंगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद जब लास्ट डेट खत्म होगा फिर अप्रैल में 3 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में आप एप्लीकेशन को करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद लॉटरी से ही एडमिशन होगा, किसमें? नर्सरी में, LKG में और क्लास फर्स्ट में। इसमें एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता। छोटे बच्चों को क्या ही एंट्रेंस टेस्ट लेना है, छोटे बच्चों को कोई एंट्रेंस टेस्ट, अभी तो बोलना सीखते ही हैं। तो इनका टेस्ट नहीं होगा, लॉटरी से होगा। बाकी आगे जो कोर्सेज है उसमें टेस्ट होगा, जैसे 6th है, 9th है, 11th है, उसका भी डेट मैं बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिए। BHU एम्प्लॉयज के जो वार्ड है दिव्यांग के, इनके 15 अप्रैल में लॉटरी निकलेगा। जितने भी जनरल कैंडिडेट्स हैं, SC है, ST है, OBC, NCL है, नॉन क्रिमिनल, उनको अप्रैल 19 को लॉटरी निकलेगा। उसके बाद एडमिशंस और काउंसलिंग का जो डेट है, BHU एम्प्लॉयज के बच्चे या दिव्यांग और दिव्यांग, या नहीं, BHU एम्प्लॉयज के बच्चे और दिव्यांग जिसको फिजिकली चैलेंज बोलते हैं, फिजिकली हैंडीकैप बोलते हैं, PWD बोलते हैं, इनका 17 अप्रैल को सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होगा, एडमिशन या काउंसलिंग बोल सकते हैं। उसके बाद जनरल कैंडिडेट्स SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर का फर्स्ट लिस्ट मेरिट लिस्ट तैयार होगी 25 अप्रैल 2021 को। सेकेंड लिस्ट आएंगी वेटिंग, जो पहले लिस्ट में नाम आएगा, और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो उनके सीटें खाली हो जाती हैं, फिर उस खाली सीट को सेकंड लिस्ट में दी जाती है अगर सीट खाली रहती है तब, और सीट खाली अगर सेकंड लिस्ट में भी रहती है तो तीसरी लिस्ट भी आती है। अब देख लीजिए एज का क्राइटेरिया। अगर LKG में एडमिशन चाहिए तो 4 से 5 साल के बीच में होना चाहिए। नर्सरी में एडमिशन चाहिए तो 4 से 5 साल के बीच में होना चाहिए। और क्लास फर्स्ट में एडमिशन चाहिए तो 5 से 7 साल के बीच में होना चाहिए। LKG में 120 सीटें हैं, नर्सरी में 40 है और क्लास फर्स्ट में 40 है। और पहले इसमें, ये वाले स्कूल में पहले BHU एम्प्लॉयज का भर्ती होगी, अगर इससे सीट बाकी रह जाएगी उसके बाद फिजिकली चैलेंज SC ST OBC का होगा। अब स्कूल एंट्रेंस टेस्ट की बात करते हैं। सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल एंड सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल्स, ये दोनों स्कूल CBSE से अफिलिएटेड है और जो टेस्ट होता है इसका नाम है स्कूल एंट्रेंस टेस्ट। 2021 का फॉर्म निकल गया है, मार्च 1 से लेके आप 31 मार्च तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो आपका मेन जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो है एंट्रेंस टेस्ट का। एंट्रेंस टेस्ट जो होगा 6th क्लास का जून 14 को है, सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। क्लास 9th का जो एंट्रेंस टेस्ट है 15 जून को है, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। क्लास 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स का एंट्रेंस टेस्ट जून 16 को है, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। क्लास 11th बायोलॉजी वालों का जून 17 को एग्जाम है। क्लास 11th मैथ्स वालों को 18 जून को एंट्रेंस एग्जामिनेशन से। ऑनलाइन एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाएगा 5 मई से लेकर टिल एग्जामिनेशन डेट। कोई भी अगर गलती करते हैं फॉर्म भरने में तो आप 3 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल के बीच में करेक्ट कर सकते हैं। और जब एक बार टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आंसर की अपलोड होगा, वो होगा 25 जून को। कैंडिडेट उसके बाद आंसर की अगर गलत होता है तो आप लोग चैलेंज कर सकते हैं 27 जून को 8 बजे शाम के बाद। फाइनल आंसर की अपलोड हो जाएगा जून 30 करेक्ट करने के बाद। अगर जो भी आंसर की आप गलत रिपोर्ट करेंगे उसको सुधार करके अपलोड किया जाएगा, जून 30 तक आ जाएगा। उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा जुलाई 10 को, ठीक है। उसके बाद एडमिशन शुरू हो जाएंगे जिसको काउंसलिंग भी बोलते हैं, इसलिए काउंसलिंग / एडमिशन है। एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए 6th के लिए 22 जुलाई को, 9th के लिए 23 जुलाई को, 11th मैथ्स के लिए 24 जुलाई को, 11th बायो के लिए 26 जुलाई को, 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए 27 जुलाई को। ये सारे सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल है जिसमें ये रेड में लिखा हुआ है। और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल्स के लिए 11th कॉमर्स के लिए 27 जुलाई, 11th आर्ट्स के लिए 28 जुलाई, 11th पेड सीट्स के लिए 28 जुलाई। इसमें पेड सीट्स में थोड़ी सी फीस ज़्यादा लगती है। सब में टाइमिंग 8 बजे सुबह से लेकर 12 बजे तक ही दिया गया है। अब इम्पॉर्टेंट और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, लेकिन आप देख लीजिए अगर कोई आपको दुविधा होती है तो स्कूल का ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको देता हूँ, आप कॉल करके भी आप अपडेट ले सकते हैं। हेल्प डेस्क नंबर है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक कॉल कर सकते हैं। सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कमच्छा वाराणसी में
एलकेजी के लिए आपका ये मोबाइल नंबर है दे रखा है, और नर्सरी के लिए ये मोबाइल दे रखा है, और क्लास वन के लिए ये मोबाइल दे रखा है। अगर बात करें हम नेक्स्ट हायर क्लास के लिए, तो इसमें बहुत सारे डिटेल्स है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। आपको कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए तो आप जरूर कमेंट कीजिए, मैं उसके ये जो स्कूल एंट्रेंस टेस्ट है इसका भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूंगा। और आप कौन से क्लास की तैयारी कर रहे हैं, इस साल मैं तैयारी भी कराऊंगा और ऐप भी डेवलप करवा रहा हूं, आपकी बिल्कुल कम से कम फीस में अच्छे से तैयारी होगी। क्लास सिक्स के लिए 10 साल से 12 साल की उम्र होना चाहिए, और क्लास नाइन्थ के लिए 13 साल से 15 साल के बीच में होना चाहिए, और क्लास इलेवंथ के लिए 18 साल मैक्सिमम एज होना चाहिए, यानी 18 साल से कम होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम 18। 19 हुआ तो फिर आप इलेवंथ में नहीं बैठ पाएंगे। तो बहुत सारे इसमें टर्म्स कंडीशन है। एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस देखिए, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, सिक्स के लिए भी, नाइन्थ के लिए भी, इलेवंथ के लिए भी, ठीक है। सिलेबस दे रखा है, रिजर्वेशंस के क्राइटेरिया जो जैसा होता है, 15% शेड्यूल कास्ट के लिए, 7.5% शेड्यूल ट्राइब के लिए, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 27%, तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है फिजिकल चैलेंज के लिए 3% वैसा ही है। सारे डिटेल्स दे रखे हैं, फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, देर से मैं रिप्लाई करूंगा लेकिन जरूर रिप्लाई करूंगा, चाहे वीडियो के माध्यम से हो चाहे किसी से। ₹300 एप्लीकेशन फीस है एससी एसटी के लिए, और ओबीसी जनरल के लिए 600 है। क्लास नर्सरी की बात करें तो इसमें कम फीस है, इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं फीस कितनी आपको देनी पड़ेगी नर्सरी के लिए। नर्सरी के लिए देखिए, एससी एसटी के लिए ₹125 है, और जनरल ओबीसी दिव्यांग बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड के लिए ₹250 है। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको हर ए टू जेड डिटेल्स बता दिया, और ये जो ऑफर लाया हूँ ये स्कूल्स के लिए है, तो जो भी बीएचयू में पढ़ने वाले स्कूल के बच्चे हैं इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। जो अनअकैडमी दोस्तों आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी लेके आया है इंडिया के सबसे बड़ा टेस्ट सीरीज, जिसका नाम है USAT अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट, जो कि हर संडे को होगा 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। आप लोग तैयार रहिएगा, बिल्कुल इसमें एनरोलमेंट फ्री है मेरे TBIT कोड से, और स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो 1 करोड़ के आसपास है। जैसे कि आपका सेपरेट टेस्ट होगा 10वीं और 11वीं का, और आपके लिए सेपरेट सिलेबस भी होगा। आप जब भी अटेम्प्ट करेंगे तुरंत आपका रैंक आ जाएगा, हर एक क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस होगा। ये जो टेस्ट सीरीज है वो डिजाइन किया है देश के टॉप एजुकेटर्स, जिससे आपकी जबरदस्त तैयारी हो, और टोटल स्कॉलरशिप का जो वर्थ है वो 1 करोड़ के आसपास है। तो दोस्तों स्कॉलरशिप जो मिलेगा वो मिलेगा टॉप 2 रैंकर्स को 100% स्कॉलरशिप मिलेगा, और रैंक 3-7 को 75%, और 8-32 को 50%, और 33 से लेकर 232 तक का मिलेगा 25% स्कॉलरशिप। टेस्ट का प्रिपरेशन हो जाएगा आपका, ऑल इंडिया रैंक मिल जाएगा, और स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको एनरोल करने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, इस लिंक पे क्लिक करके जाइएगा, और जाने के बाद मेरा कोड जरूर यूज कीजिएगा, तभी आपको ये टेस्ट सीरीज फ्री हो जाएगा। और आपको बता दे कि ये है आपका सिलेबस जो कि 11th का है, और ये जो सिलेबस है वो है 9th और 10th वालों को। तो आप सिलेबस को अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, और अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं उनको 10% का डिस्काउंट है। तो जिनको सब्सक्रिप्शन लेना है मेरा कोड यूज करके 10% डिस्काउंट पा लीजिएगा, और बिल्कुल से बिंदास से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि जब तक तैयारी रहेगा तभी तक अच्छा रैंक आएगा, जब तक तैयारी नहीं तब तक अच्छा रैंक नहीं। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चेकआउट जरूर कीजिएगा।